जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का जो ये वीडियो है स्पेशली तरीके से उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करें, आप अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखें ताकि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकें। और ध्यान रखना, कुछ लोग कहेंगे कि यार पहले प्रयास में तो नेट पास कर लेगा वही बहुत है, लेकिन ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में ही बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पिछले 3-4 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से 3-4 साल से पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। ध्यान रखना, यदि आप सही कंटेंट के साथ सही ढंग से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप मात्र 2 महीने में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, एक अव्यवस्थित कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, आप अपनी खुद की मर्जी के अनुसार तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको भी 3-4 बार एग्जाम देना पड़े तब भी कहीं जाकर आपका जेआरएफ क्वालिफाई ना हो पाए। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं लगभग 15 से 18 मिनट के बीच का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है यदि हम सही ढंग से सही कंटेंट के साथ तैयारी करते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आज भी बहुत जबरदस्त तरीके से अव्यवस्थित तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक बहुत बेकार कॉन्टेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं हर एक क्लास में एक शब्द बोलता हूं, आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तब ही क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएंगे। अब अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं, उन अच्छी किताबों में क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि क्या हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्लान बताता हूँ। सामान्यतः ज़्यादातर जो कैंडिडेट पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं वो इसी मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। शुरू में 2 बार जेआरएफ मेरा पीजी अपीयरिंग के साथ हो गया था और 3री बार जो मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है पीजी के बाद, उसमें मैंने ओवरऑल 2nd रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि हम पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में कैसे जेआरएफ पास कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। हमारे बैच में ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो पीजी वाले रहते हैं, जो अभी पीजी अपीयरिंग में है या जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। और हमारे बैच से अब की बार टोटल कुल मिलाकर जून 2024 वाला जो रिजल्ट आया था इसके लिए हमने ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था और उसका जो रिजल्ट था भाई, हमारे बैच से टोटल कुल मिलाकर 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। इन 31 कैंडिडेटों में से 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया है। हमारे बैच में टोटल 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए हैं। हमारे बैच में 3 ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 156 नंबर का स्कोर है। जब ये कर सकते हैं तो 100% आप भी कर सकते हो, यह ध्यान रखना है। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो और आप
आपको हर हाल में अब की बार दिसंबर 2024 में जेरा पास करना ही करना है। यदि आप केवल ये सोच रहे हो कि यार दिसंबर में नेट हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, भाई आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई मजा नहीं आएगा, नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मजा तब आएगा जब पहले प्रयास में आप गजब के मार्क्स के साथ जेरा पास करोगे। तो दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में नेट जेरा पास करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। जिस तरीके से हमने जून वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया था, दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया था, जून 2023 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया था, उसी तरीके से हमने दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में पहले प्रयास में पीजी अपेयरिंग के साथ जेरप क्वालिफाई करना है। और जब हमें पहले प्रयास में जेरप क्वालिफाई करना होता है तो आपको खुद को पता है कि हमें बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होता है। जब हम पहले बार किसी एग्जाम को देते हैं तो हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब हमें जीरो एक्सपीरियंस रहता है और जीरो लेवल का हमारा सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर तैयार रहता है, मतलब हमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके और जरब तक पहुंचना होता है। तो यहां पर हमारा टारगेट है कि हमें पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जरब पास करना है, हर हाल में दिसंबर 2024 में एक रनर, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। लाइन टू लाइन 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं फीस रिफंड कर दूंगा। आप मेरी इस वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, इस वीडियो को सेव रख सकते हो, 100% फीस रिफंड करूंगा यदि 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से नहीं मिलता है तो। अब देखो प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जून 2024 वाले एग्जामों में पॉइंटों से जरफ रुका है, वो कैंडिडेट भी दिसंबर वाला एग्जाम देंगे। दूसरी साइड आप आज से शुरुआत कर रहे हो और आप भी एग्जाम दोगे, तो आप सोच रहे हो कि यार उन लोगों की तैयारी तो हमारी तुलना में बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम उन लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। ध्यान रखना प्यारे साथियों, आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो, यदि आप पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हो तो। तो मैं आपको इस बैच की सबसे खास बात बताता हूं जो आपको बहुत आसानी से आपको जरफ दिलाने में बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाली है। देखो, आपको एक तो बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी चाहिए। बेहतरीन कंटेंट मेरे अनुसार वो कंटेंट होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग बनानी चाहिए, एक बहुत शानदार वाली रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति बहुत अच्छी बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यदि आपकी अच्छी रणनीति है तो आप उस पोर्शन को सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो ज्यादातर कैंडिडेटों का बहुत कमजोर रहता है, तो आपको एक बहुत बेहतरीन रणनीति बनानी होगी। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको एक बहुत बेस्ट गाइडेंस मिलना चाहिए, आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिले बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करने के लिए जो आपको बता सके कि आपको कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल बहुत ही शानदार वाला रास्ता दिखा सके, आपको तो केवल और केवल वहां पर चलना पड़े। और इसके अलावा आपको सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम जब नजदीक में आता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या छोड़ दिया, बस वो तो केवल पढ़ने की धुन में लगे हुए हैं। जब एग्जाम सेंटर पर बैठते हैं तो उनको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए लगते हैं लेकिन क्वेश्चन किसी का आंसर किसी का याद नहीं होता है, ये होता है अव्यवस्थित तैयारी। यदि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो आपको सब कुछ पता होता है कि मैंने क्या पढ़ लिया, मेरे को आगे क्या पढ़ना है ताकि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं, ताकि पेपर मेरे पढ़े हुए में आ सके। तो हम हमारे इस बैच में इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं, और यदि आप इन 4 पॉइंटों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में आप जरा पास कर सकते हैं, ठीक है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, बेहतरीन कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस, शानदार रणनीति और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो 100% संभव है आप पहले प्रयास में जरा पास कर सकते हो। और यदि आप इन चारों को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो लगे रहो भाई 2-3 साल तक, तब कहीं जाकर आपका नेट पास होगा, जरब की तो आप आस छोड़ सकते हो। और ये रियलिटी है, आज आपको महसूस नहीं होगा लेकिन जब आप एग्जाम दोगे ना, उस टाइम आपको महसूस होगा कि ये चीजें क्यों हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि हम किस रणनीति को फॉलो करते हैं, हमारे इस बैच में हम किस व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं। देखो, बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करने के लिए, बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक पेपर के पैटर्न के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, दूसरा पेपर के लेवल के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। यदि पेपर का पैटर्न हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो समझो हमने पेपर की डिमांड को समझ लिया कि पेपर चाहता क्या है। ठीक, तो पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया है, जो ज्योग्राफी का सिलेबस जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, उसको हमने टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 20 यूनिटों के हमने टोटल 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जो ज्यादातर कैंडिडेटों की पसंदीदा है। आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जिन्होंने 2020 से पहले जरब पास किए, वो आपको केवल और केवल ये बताएंगे कि इन 4 यूनिटों को पढ़ लो, जरब पक्का है। क्योंकि 2020 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 60-65% पेपर आता था, लेकिन फिलहाल में सारे हालात तो बदल चुके हैं, इन 4 यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25-30% पेपर आ रहे हैं। अब चाहे आप इन 4 यूनिटों को कितना ही घोट घोट के पी जाओ, आपका कभी भी 25-30% से ज्यादा स्कोर नहीं होगा, क्योंकि यहां से केवल क्वेश्चन ही 25-30 आ रहे हैं। और ये चारों की चारों यूनिट है ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। दूसरी साइड हम बात करते हैं सेशन ए के बारे में, जिसमें मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है, जियोग्राफिकल टेक्निक को, कार्टोग्राफी को, स्टैटिकल ज्योग्राफी को, सोशल कल्चर ज्योग्राफी को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, एनवायरनमेंट को, ट्रेड ज्योग्राफी को, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को और ज्योग्राफिकल थॉट को। ये 16 वो यूनिट हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा कमजोर होती हैं, जिनके ऊपर ज़्यादातर कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से फोकस नहीं करते। यदि पढ़ते भी हैं तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। और ये 16 वो यूनिट हैं जिनसे लगभग 60-65 क्वेश्चन आते हैं। जो कैंडिडेट पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करते हैं, वो इन 16 यूनिटों को सबसे पहले घोट कर पीते हैं हमारे एग्जाम के डिमांड के अनुसार। ठीक है, जो कैंडिडेट 2-3 साल से, 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जरफ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो सेशन बी की जो 4 यूनिट है उनको घोट कर पी रहे हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 16 यूनिटों को पहले पढ़ते हो या फिर इन 4 यूनिटों को पहले पढ़ते हो। बाकी यदि पेपर की डिमांड के अनुसार आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल चुका होगा कि आपको पहले किसको पढ़ना चाहिए। सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनसे लगभग 60-65 क्वेश्चन आते हैं, सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनसे लगभग 25-30 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के। इस तरीके से हमारा फिलहाल का पेपर पैटर्न जो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम पेपर के लेवल को समझते हैं। देखो, आजकल हमारा जो नेट जरफ का एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा बदल चुका है, हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं। ठीक, उनको आप तभी ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। फिर हमारे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फैक्ट दिया होता है, उन क्वेश्चनों को आप तब ठीक कर सकते हो जब आपका फैक्ट क्लियर है। हमारे एग्जाम में करंट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और पेपर बहुत डीपली बनकर आता है। हमारे एग्जाम में एग्जामिनर उन टॉपिकों से क्वेश्चन बनाते हैं जिनसे हम कंफ्यूज होते हैं, जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ऑलरेडी सब कुछ पता है कि कौन कहां पर कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर इस बैच में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास के दौरान ही याद करवाने का भी प्रयास करते हैं। हम जहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलता हूँ कि हम इन 2 के बीच में कंफ्यूज होते हैं और इनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं क्लास के साथ साथ बताते हुए चलता हूँ कि इस लाइन से इतनी बार क्वेश्चन बन चुका है, अब इस लाइन से आगे इस तरीके से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। तो इससे हमारी टारगेट तैयारी होती है, टारगेटेड तैयारी होती है।
ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल और केवल नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है। अब हमारी रणनीति क्या होती है भाई, सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करते हैं। सबसे पहले सेशन ए की 16 यूनिट को कंप्लीट करते हैं, जैसे एक यूनिट को उठाते हैं उस यूनिट को 100% तरीके से कंप्लीट करते हैं, जब वो यूनिट 100% कंप्लीट होती है तो फिर दूसरी यूनिट को कंप्लीट करते हैं, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को, फिर छठी को, ऐसे टोटल कुल मिलाकर सेशन ए की 16 की 16 यूनिट को शानदार तरीके से पेपर की डिमांड के अनुसार तैयारी करते हैं। जब 16 यूनिट गजब तरीके से तैयार हो गई, समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। फिर हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है, हमें किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना, हमें हर हाल में जेआरएफ पास करना है। तो टोटल कुल मिलाकर हम 20 के 20 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन सबसे पहले सेशन ए की 16, फिर उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिट, लास्ट में हम आरसी की शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और यदि आप सेशन ए की हमारे कंटेंट के साथ 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लेते हो तो आसानी से जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 50-55 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। सेशन बी की जो 4 यूनिटों से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं उनको हमारे कंटेंट से पढ़कर बहुत आसानी से आप 17 से 18 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और जो सेशन सी है इसकी मैं आपको बहुत बेस्ट टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चनों को सोल्व करने की, यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक करने की, तो यदि आप उस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी से आप 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो बहुत आसानी से आपका जो स्कोर है ना वो 77 क्वेश्चन से लेकर 82 क्वेश्चन के बीच में हो सकता है। ठीक है भाई, जब आप 77 से 82 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेकर तैयारी करोगे ना तो हर हाल में 70% प्लस का स्कोर तो आपका होगा ही होगा, किसी भी कंडीशन में आपका इससे कम स्कोर नहीं होगा। अब यदि आप टारगेट ही ऐसे लेके चल रहे हो कि यार मेरा 70 तक का हो जाए तो ठीक है, मैं 70% तक क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेकर तैयारी कर रहा हूँ, तो भाई हम जितना टारगेट लेकर तैयारी करते हैं ना उतना स्कोर हमारा कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे बाय मिस्टेक गलत हो जाते हैं, तो फिर आपका कभी भी 70% का स्कोर नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पर इस रणनीति को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, मेरा खुद का पीजी अपेयरिंग के साथ जो 2 बार जेआरएफ पास है, पिछले 4 साल से मेरे को पढ़ाने का बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस है। हम केवल नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट हमारे बैच में पीजी अपेयरिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूँगा, आपको कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है। 24 मल्टीप्लाई, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, 7891350470, ये आपके लिए अवेलेबल है, कभी कॉल करो कभी मैसेज करो। ठीक है, पर डे मैं यहाँ पर आपको टारगेट दूंगा, आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना होगा, आपके टारगेट का एनालिसिस करूंगा कि आप अपने टारगेट को कितना पूरा किया। हम यहाँ पर वीकली मंथली रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हम इस वीक में कितना पढ़े हैं, इस महीने में हमने कितना पढ़ा, हमें कितना अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। टॉपिक वाइज तरीके से हम तीसरे दिन टेस्ट लेंगे जो पिछले 3 दिन में हमने पढ़ा है उसका। संडे टू संडे हमारा यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होगा। हम अपनी जो टेस्ट है वीकली टेस्ट हो चाहे वो हमारा हर तीसरे दिन वाला टेस्ट हो, हर की हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि हमें पता रह सके कि कौन सा टॉपिक हमारा कितना अच्छे तरीके से तैयार है। ठीक है, और सबसे लास्ट में मैं आपका बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे यूनिट वाइज तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में और फिर ऑब्जेक्टिव वे में, ताकि हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो चुकी। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कॉन्टेंट से मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो, हमने ये जो कॉन्टेंट तैयार किया ना, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है, हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि हम बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार कर सकें। और बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए हमने क्या किया, टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप जो ग्रुप सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, हमने उन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कॉन्टेंट को इकट्ठा किया। ठीक है, और फिर उन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड नेट जेआरएफ के लिए कॉन्टेंट तैयार किया। हमने 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, हमने 8 टीचरों के नोट्स खरीदे, हमने दृष्टि अरिहंत वाली गाइड खरीदी, हमने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर इकट्ठे किए, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कॉन्टेंट तैयार किया। ठीक है, यहाँ पर हम बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यदि आपका ज्योग्राफी आज बिल्कुल 0 है तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं और हमारा जो जेआरएफ का लेवल है वहाँ तक पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जो कुछ मिलेगा सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर हम स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, जहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जो हमें याद नहीं होता आसानी से, उन सभी को मैं याद करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। हर एक टॉपिक हर एक यूनिट के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक फैक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम तैयार करेंगे। हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हम मैप बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, माइंड मैप बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, ताकि हम उसको आसानी से याद रख सकें। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इसके थ्रू आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसके ऊपर कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन उनको अच्छे तरीके से क्लियर करो, और जब लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो आप बिना देरी किए अभी बैच ज्वाइन करें, ताकि सही समय से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें, सही ढंग से आपका सिलेबस पूरा हो सके, सही ढंग से आपको रिवीजन का मौका मिल सके, और सही ढंग से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, जो कि आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।